हे गाइस कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। हे गाइस वेलकम टू घुमक्कड़ दोस्त। वीडियो का टाइटल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये व्लॉग किस चीज़ के ऊपर है, तो मैं बता ही देता हूँ, ये व्लॉग दार्जिलिंग के ऊपर है और टॉपिक्स भी बहुत स्पेशल है। जैसा कि मैंने एक नेपाल की तरह वीडियो बनाया था, उसका लिंक ऊपर आई बटन पे है। ये वीडियो भी वैसा ही धमाकेदार है, तो इस वीडियो को भी मैं शुरू करता हूँ चुटकी बजा के। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू गो। तो दार्जिलिंग किसी भी शहर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि दार्जिलिंग में कोई भी ट्रेन स्टेशन या कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। तो दार्जिलिंग के लिए सबसे पहले जाना होगा न्यू जलपाईगुड़ी, और न्यू जलपाईगुड़ी से बाकी शहरों की अच्छी कनेक्टिविटी है, जैसे बस, फ्लाइट और ट्रेन। फिर न्यू जलपाईगुड़ी से आप शेयर्ड बेसिस पे या प्राइवेट टैक्सी से भी जा सकते हैं। शेयर्ड बेसिस पे आपको 200 से 300 रुपये खर्च करने होंगे और प्राइवेट टैक्सी से 2000 से 2500 रुपये। और न्यू जलपाईगुड़ी से आप दार्जिलिंग बाई टॉय ट्रेन भी जा सकते हैं। तो मेरा एक पर्सनल सजेशन, दार्जिलिंग में आप पैकेज नहीं करें तो अच्छा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पैकेज में ही आएँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग दार्जिलिंग और इस तरफ सिक्किम का जब टूर करते हैं तो लोग पैकेज में ही आते हैं। तो आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप अपना ट्रैवल प्लान खुद से बनाएं, और मैंने भी अभी ट्रैवल प्लान खुद से बनाया और अपना होटल भी खुद से ही बुक किया। इससे आपको दो फायदे मिलेंगे, पहला आपको अपना होटल मनपसंद मिलेगा, और दूसरा आपको एजेंट को एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देने होंगे। और मैंने दार्जिलिंग में दो प्रॉपर्टीज बुक करी थी, दोनों अपने मायने में काफी शानदार थी। तो पहले प्रॉपर्टीज के लिए मैंने पे किया था 1950 फॉर वन नाइट, और दूसरे प्रॉपर्टी के लिए मैंने पे किया था 4800 यानी 4800 रुपया एक रात के लिए। तो अब चलते हैं फूड की तरफ, और मैं शेयर करूंगा उसका एक्सपेंसेस भी। एक्चुअली दार्जिलिंग बहुत डाइवर्स है, तो यहाँ का फूड भी बहुत डाइवर्स है, और यहाँ पे हर तरह के आपको फूड मिल जाएंगे। तो फूड का एक्सपेंस का मैं बात करूँ तो आपको एक मील के लिए 250 से 300 रुपये खर्च करने होंगे। तो अब मैं दार्जिलिंग के कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स शेयर करूंगा जो आपको शायद ही पता होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो घूम रेलवे स्टेशन इज द इंडियाज हाईएस्ट रेलवे स्टेशन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2258 मीटर 2258 मीटर पे है घूम रेलवे स्टेशन, जो इंडिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। पता था नहीं पता था। अब चलते हैं दूसरी तरफ। यू नो दार्जिलिंग हैज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव टी इन द वर्ल्ड। जी हाँ, दार्जिलिंग के पास एक एक ऐसे चाय होते हैं जिसकी कीमत 1,80,000 तक होती है, और ये चाय पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। सो दार्जिलिंग इज़ फेमस फॉर मोस्ट एक्सपेंसिव टी इन द वर्ल्ड। वी ऑल नो इंडिया इज़ वेरी डाइवर्स, इंडिया बहुत डाइवर्स है, बट इफ़ आई टेल दार्जिलिंग इज़ मोर डाइवर्स दैन इंडिया, दार्जिलिंग इंडिया से भी ज़्यादा डाइवर्स है, बिकॉज दार्जिलिंग में बहुत सारे लैंग्वेज है, जैसे नेपाली है, तिब्बतन है, बंगाली है, हिंदी है, इंग्लिश है, बहुत सारे लैंग्वेज एक ही छोटे से प्लेस में, इतने सारे लैंग्वेज, और जो रिलीजन भी काफ़ी ढेर सारे हैं। तो यू कैन सी दार्जिलिंग इज़ वेरी डाइवर्स। चलते हैं अगली तरफ। तो दार्जिलिंग का रोपवे इंडिया का सबसे पुराना रोपवे है और एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे है। तो चलते हैं दूसरी तरफ। हमारे एवेंजर के डॉक्टर स्ट्रेंज यानी मिस्टर बेनेडिक्ट एक टाइम पे तिब्बत मोनास्ट्री में इंग्लिश पढ़ाया करते थे। जी, वो इंग्लिश टीचर थे, मुझे भी ये बात पता नहीं थी, मुझे बात ये बाद में पता चली। अब चलते हैं दूसरी तरफ। तेंजिंग नॉर्गे इज़ द फर्स्ट एवरेस्ट माउंटेनियर, जो यहाँ दार्जिलिंग से ही बिलोंग करते हैं। 1954 में वो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और दार्जिलिंग में ही उनका डेथ होता है 1986 में। तो अब चलते हैं अगली तरफ। नाउ लेट्स गो टू द टूरिस्ट प्लेसेस।
तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश दार्जिलिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भैया चलिए तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय बाय।